हेलो बालको, आज हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे पहले तो जान लो, हम है कौन? हम हैं आपके फ्रेंड, हम हैं आपके फ्रेंड बेटा। आज हम आपको बताएंगे एनिलीन, फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, बेंजोइक एसिड, इन सारे बहुत सारे कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, इनमें से कोई ना कोई तो एग्जाम में छपेगा, समझ लीजिए आप। तो हम यहाँ लिखते हैं आपको बालू, ये शिकायत अगर हो कि आपको छोटा दिखाई देता तो कमेंट बॉक्स में जो बता देना। शायद ऐसा लग रहा है बच्चों को कि छोटा हो जाता है सर दूर, बेटा होता क्या है, बोर्ड मेरा थोड़ा सा छोटा है ना, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी इसको शेयर करिएगा, शायद सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, फिर हम आगे बड़े काम करेंगे। इलेक्ट्रिक बोर्ड ले लेंगे हम, चलो इलेक्ट्रिक बोर्ड ले लेंगे, बड़ा बड़ा पढ़ाएंगे आप लोग को। लेकिन बार बार हमसे थोड़ी ना पढ़ेंगे आप, इस बार ही निकल जाएंगे, नए बच्चे आएंगे उनके इलेक्ट्रिक बोर्ड ले लेंगे हम। फिर तुम लोग को हमारे लिए तो नहीं लिया था, नहीं ले सकता पालक, पहले तो मैं दरवाजे पर पढ़ाता था, दरवाजा मेरा गया बंद। अब बेटा हम आ गए बोर्ड पर, समझाते हैं आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं बेटा पहली रिएक्शन। बेटा हम सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहे क्लोरोबेंजीन की, किसकी? क्लोरोबेंजीन की सभी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। बेटा ये है आपका क्लोरोबेंजीन, इसकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन नोट करिए बेटा। बेटा सब आप ये, मैं एक बेंजीन बना के सारे कंपाउंड लिखूंगा, आप क्या करना, आप क्या करना, अलग अलग नोट कर लेना। एक रिएक्शन, दूसरी रिएक्शन, तीसरी रिएक्शन, चौथी रिएक्शन, देखते हैं बेटा। देखिए ये है आपका क्लोरोबेंजीन, क्या ये क्लोरोबेंजीन बेटा? देखिए इसमें अगर टीचर ने धोखे से भी क्या डाल दिया, NaOH डाला और हीट किया बेटा 300 डिग्री टेम्परेचर पर, बेटा आपको दौड़ते हुए क्या बना देना है, दौड़ते हुए बना देना है फिनॉल। क्या बना देना है? फिनॉल। और जो निकल जाए वो मैटर नहीं करता, आप उसे ना देखिए, NaCl से निकलता, जिसका ना याद है तो ना लिखना, मेन प्रोडक्ट पर फोकस करिएगा। उसके बाद बेटा ये KCl आपको दिख रहा है बेटा, इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे, NH3 से, जी बहुत एकदम खतरनाक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी क्यूप्रिक ऑक्साइड की उपस्थिति में, CuO की उपस्थिति में हीट करने पर बेटा ये बनता है एनिलीन। बेटा याद रखिए ज्यादातर Cl और फिनॉल में जब अमोनिया डाला जाता है तो एनिलीन बनता है, क्या बनता है, एनिलीन। और निकलेगा बेटा फिर से वही आपका HCl, ये दूसरी कतई खतरनाक रिएक्शन। तीसरी रिएक्शन बेटा आपसे टीचर क्या दे देगा, मान लो बेटा उन्होंने दे दिया CH3Cl और लिखा यहाँ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, बेटा यहाँ क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा बेटा आपका क्लोरोटालुइन, सॉरी ये CH3 ग्रुप लग जाएगा। ये जब भी लगेगा देख लो इसकी शक्ल, पहचानो CH3Cl इनके साथ एनहाइड्रस, तब भी ये CH3 लगेगा, क्या लगेगा मेरे साथ, CH3 निकल जाएगा, ले HCl निकल जाएगा। आप बेटा आपसे टीचर क्या दे सकता है, मान ली बेटा अगर आपने इसकी रिएक्शन क्लोरल के साथ, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, CCl3CHO और H2SO4, क्या किया आपने, H2SO4 डाला, तो बेटा बनता है DDT, क्या बनता है DDT। आपके कोर्स में है या नहीं पता नहीं मुझे, बट फिर भी अगर धोखे में टीचर ने दे दिया कहीं तो मैं लिख रहा हूँ बेटा, नोट करिएगा आप ऐसे, रुको, ये Cl, ये Cl, ये बेंजीन, ये बेंजीन, यहाँ दो मोल लेंगे इस केस में, इतने बेंजीन लेंगे बेटा, यहाँ दो मोल लेंगे इस केस में, ऐसे ऐसे सी, और बेटा इससे जुड़ा है सी, इससे जुड़े हैं 3 Cl, क्या जुड़े हैं 3 Cl, इससे जुड़ा है बेटा क्या आपका, मान लो बेटा CH, इससे जुड़ते हुए CH पर पानी निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, पानी। बेटा मैकेनिज्म समझने की भी जरूरत नहीं है आपको, बेंजीन के पीछे से एक एक निकला और एक एक जिससे निकला, एक एक जिससे निकला और वो निकल कर चला गया, और इससे क्या होगा, ये जो सी था उन दोनों से क्या हो गया, जुड़ गया, इसका नाम है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, इसका नाम है DDT। आप आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे। सर और कोई रिएक्शन देता है? हाँ बेटा बहुत खतरनाक अभिक्रिया, यहाँ 2Na डाल देंगे, कभी टीचर Na डाल के देता है आपको, डरा देता है आपको टीचर, आप 2 कर लेंगे उसको, और ड्राई इथर डालेंगे, क्या डालेंगे, ड्राई इथर डालेंगे, शुष्क इथर बोलते हैं बेटा, तो बेटा क्या बन जाएगा आपका, बाई फिनाइल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, बाई फिनाइल, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ बेटा आपको दिख जाए,
बेटा आपका बनेगा बाई फिनाइल, क्या बनेगा बाई फिनाइल बन जाएगा, दो बंजीन इसके इसमें भी जरूरत होंगे। तो बेटा 1 2 3 4 5 बेटा ये आपकी क्लोरोबेंजीन की सबसे महत्वपूर्ण रिएक्शन है। ये स्टार बना लीजिए, ये स्टार बना लीजिए, ये आपकी हो गई क्लोरोबेंजीन की कहानी खत्म। अब सर क्या पढ़ाएंगे बेटा, अब क्वेश्चन दूसरा समझेंगे हम फिनॉल के विषय में। बिठा दे बेटा इन सबको, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, ऐसा करते हैं। चलो बेटा इनको भैया समझ में आ गया होगा, ऐसा करते हैं आपको ये चीज़, ये चीज़ें इसलिए बेटा आपको रीजन का ज्ञान हो जाए। वैसे तो आप सब समझदार हो, फिर भी बेटा बुक में सब कुछ लिखा होता है, फिर भी आप नहीं पढ़ते हो तो शायद इससे ही याद हो जाए आपको किसी डाले पर ये बनता है इसमें। और कुछ तो चीज़ें समझिए बेटा। अब मान लीजिए बेटा हमने लिया यहाँ पर फिनॉल, क्या लिया बेटा हमने यहाँ पर फिनॉल लिया, क्या लिया फिनॉल। अब यहाँ पर फिर से देखिए बेटा, इसमें बेटा सबसे पहले डाल दीजिए आप PCl5, क्या डालिए PCl5, मार्किंग खत्म हो जाए PCl5 दिख रहा है वाला PCl5 बेटा, ये फिनॉल बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, क्या बन जाएगा फिनॉल क्लोरोबेंजीन, निकलेगा POCl3+HCl, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो भूल जाओ। उसके बाद सिचुएशन नंबर 2 बेटा, इसमें पड़ेगा जिंक, तो ये बन जाएगा केवल बेंजीन, क्या बनेगा केवल बेंजीन बनेगा, क्या बनेगा बेंजीन। बेटा ये रिएक्शन आपके 5 नंबर में आती है, मामूली नहीं, फिनॉल की बहुत सारी रिएक्शन दे देते हैं, तो याद रखिए बेटा ये क्या निकल जाएगा जिंक ऑक्साइड। तीसरी रिएक्शन बेटा समझिए, अगर टीचर ने यहाँ पर क्लोरोफॉर्म CHCl3 और अल्कोहलिक KOH यूज कर लिया, क्लोरोफॉर्म CHCl3 और KOH यूज कर लिया बेटा, यहाँ बनेगा आपका सैलिसिल डिहाइड, रीमर टीमैन रिएक्शन है ये कौन सी है आपकी रीमर टीमैन रिएक्शन, निकलेगा क्या बेटा 3KCl+2H2O। नोट कर लिया बेटा रीमर टीमैन रिएक्शन खतरनाक इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये। उसके बेटा यहाँ पर बेटा देखिए टीचर ने कहा CCl4 यूज किया, क्या यूज किया CCl4, और क्या डाल दिया बेटा यहाँ पर KOH, बेटा यहाँ 3 KOH ले लीजिए आप। अब क्या करिए बेटा यहाँ 4 जितने सीएल होते उतने KOH लेने पड़ते हैं, यहाँ पर बनेगा बेटा सैलिसिलिक एसिड, क्या बनेगा सैलिसिलिक एसिड। बेटा मैंने भी पहले वीडियो बनाया है बट आपको हिलता जुलता दिखा होगा इसमें, समझ जाइए बेटा आपको अच्छे से दिख जाए, वीडियो हिलेगा नहीं बेटा, आप टेंशन ना लीजिए। तो बेटा 3KCl बेटा सॉरी 4KCl निकालें, कितना निकालें 4KCl+3H2O निकाल दे, देखिए बैलेंस कर लीजिए बेटा। उसके बाद बेटा और क्या होगा टीचर, और क्या कर सकता है बेटा, इसका ऑक्सीडेशन करा देगा K2Cr2O7H+ ऑक्सीडेशन, सबसे फेवरेट रिएक्शन है किसी स्टूडेंट की ये, ये सबसे फेवरेट रिएक्शन है उसको। ये रहा बेटा आपका, ये ऐसे बनेगा और ये क्या बेंजो किनोन आपका बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी बेटा। और देखो क्या होता है सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन में लिखे जा रहा हूँ बेटा, NH3 डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए NH3 और ZnCl2, क्या डाल दिया NH3 और ZnCl2 बेटा, ये बन जाता है एनिलीन, क्या बन जाता है एनिलीन, क्या बन जाता है एनिलीन बेटा, यहाँ निकलेगा क्या H2O बेटा। ये थी आपकी फिनॉल की एकदम भयंकर इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, बाकी एक रिएक्शन बेटा और फिनॉल की वो यूनिक है थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, बुक में देखना लिखा होगा बेटा, आप इन बातों को नोट कर लिए बेटा। ये थी इंपॉर्टेंट रिएक्शन किसकी फिनॉल की, सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बेटा मैं करा रहा हूँ कि एग्जाम में आपके पूछी जाती हैं। चलिए बेटा इसको मिटा दो, मिटा देते हैं बेटा, आप कुछ रिएक्शन और बता दें अच्छा इसकी। हाँ सर और बता दिए एक और अगर इंपॉर्टेंट हो कुछ बेटा, एक क्रिसॉल वाली बात आती है, टीचर कहेगा ऑर्थो क्रिसॉल मेटा क्रिसॉल पैरा क्रिसॉल, फिनॉल की रिएक्शन बेटा जब बोलिए इसमें CH3Cl डाल दिया, क्या डाल दिया AlCl3 के प्रेजेंस में एनहाइड्रस एट निर्जल एकदम, यहाँ बनेगा क्रिसॉल, क्या बनेगा बेटा क्रिसॉल, ये फिनॉल लगेगा यहाँ CH3 लगेगा बेटा, इसका नाम है ऑर्थो क्रिसॉल। अगर ये CH3 यहाँ लगा दोगे तो मेटा क्रिसॉल, यहाँ लगाओगे तो पैरा क्रिसॉल बेटा, ये इसकी क्या होती है इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन होती है बेटा। थैलिक एनहाइड्राइड में बात बताऊंगा वो बड़ी है, उसके साथ भी नहीं जानना आपको इतनी बात होगी बेटा, ये हो गई फिनॉल की इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अब बेटा हम एनिलीन की समझ लेते हैं, अब हम समझेंगे किसकी एनिलीन की इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
एंड लिंगसर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अभी बहुत बार लिखा मैंने, NH2 होता है। अब बेटा देखिए इसमें इसमें कैसे कैसे आपको रिएक्शन करानी है, ठीक है बेटा। साफ नहीं दिख रहा हूँ, मैं साफ कर दूंगा उसको थोड़ा सा, देखा जाना चाहिए, दिक्कत होगी। अब समझिए आप, अब एनिलीन की बेटा इंपॉर्टेंट समझिए बेटा। सबसे पहले बेटा इसमें डाल दीजिए NaNO2+HCl 0 डिग्री से 5। बेटा नोट रख लो, NaNO2+HCl और 0 से 5 डिग्री टेम्परेचर। बेटा अब आपका जो बनेगा, आपका कौन सा कंपाउंड बनेगा, N2Cl। कभी कभी टीचर ने NO2 केवल डालता है, तब भी आपको वही बना देना है, डरना नहीं है आपको। उसके बाद बेटा देखिए दूसरी रिएक्शन बेटा, यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन एक रीजनिंग बनेगा, सुन लो बेटा। टीचर कहेगा आपसे एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं देता, एनिलीन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन नहीं देता, कारण रीजन क्या होता है बेटा, जब यहाँ पर हम AlCl3 यूज करते हैं, AlCl3 यूज करते हैं बेटा, वो लेविस एसिड की तरह क्या करने लगता है, काम करने लगता है, इसके लोन पे क्या होते हैं, इसके साथ रिएक्शन कर लेते हैं और रिएक्शन स्टॉप हो जाती है बेटा, क्या होता है, इसलिए हम इसकी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। चलिए इसको हटाइए। अब यहाँ पर बेटा पाइरीडीन यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, पाइरीडीन। और बेटा पाइरीडीन यूज करोगे तो बेटा एन मेथिल एनिलीन बनेगा, क्या बनेगा, एन मेथिल एनिलीन बनेगा, HCl निकल जाएगा। बेटा दूसरी बात, अगर इसमें CH3COCl डालोगे पाइरीडीन की प्रेजेंस में बेटा, यहाँ ये बन जाएगा आपका एसिटिनालाइड, यहाँ पर भी बेटा NHCOCH3 बनेगा, क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। ये बात ध्यान रखिए बेटा आप लोग। बेटा ये एनिलीन के कुछ की इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैंने बता दी है आपको, ये क्या कर लीजिएगा आप अच्छे से याद कर लीजिएगा बेटा। नेक्स्ट रिएक्शन हम अब नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, मुझे कहीं जाना है, ठीक है, मिलते हैं हम अब नेक्स्ट वीडियो में, ओके।